So have a nice day ahead, students. In the last video, part 1, I explained you the basic knowledge of rational numbers, right? In this video, I am going to teach you the addition and subtraction of rational number. All right? So let's start with the topic. Addition and subtraction of rational number. This is the main topic. Okay, so addition and subtraction, when you will see in the book, there are two exercise 4C and 4D. 4C is all about addition of rational number and 4D is all about subtraction of rational number, but dono ke rules same hai, same hi hume solve karna hai. Sirf addition mein plus ka sign hoga and subtraction mein minus ka sign hoga. To उसी वजह से यहाँ पर दो एक्सरसाइज है, बट ये सेम है, सिर्फ साइन ही अलग है, बाकी रूल रेगुलेशन सब सेम है, इसीलिए मैं हम इन दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स हैं रैशनल नंबर को ऐड करने के या सब्ट्रैक्ट करने के, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, इट मीन्स आपको टू और मोर देन टू नंबर्स गिवन होंगे जिन्हें आपको ऐड करना होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. वी ऑल नो वेरी वेल दैट इन द रैशनल नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होगा. P इज द न्यूमरेटर एंड D इज द डिनोमिनेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, वी नीड टू फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. राइट, पॉइंट सेकेंड, देन डिवाइड द LCM by the divide the LCM by the denominators respectively. और ब्रैकेट में मैं मेंशन कर रही हूं 1 by 1. ओके, वन बाय वन वी हैव टू डिवाइड द LCM बाय द डिनोमिनेटर्स. राइट, थर्ड पॉइंट इज मल्टीप्लाई द क्वेश्चेंट विद द रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर. फर्स्ट पॉइंट इज फाइंड द LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. वेन एवर वी हैव टू एड और सब्ट्रैक्ट द रैशनल नंबर, फर्स्ट वी विल फाइंड LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स. सेकेंड पॉइंट इज डिवाइड द LCM बाय द डिनोमिनेटर्स रेस्पेक्टिवली एंड वन बाय वन. जो भी LCM आएगा, वी हैव टू डिवाइड दैट LCM बाय द रेस्पेक्टिव डिनोमिनेटर्स. Clear? Third point is, when you will divide that LCM by the denominator, you will get an answer or question. So then we will multiply that question, which we will find by the divide the LCM of by the denominator. So we will multiply that question with the respective numerator. Right? जब आप LCM को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, देन जो आपका क्वेश्चन आएगा, हम उस क्वेश्चन को उसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से, आई रिपीट, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आफ्टर डिविजन, तो हम उस
क्वेश्चन को उसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके देन तो जो भी हमारा ऐड करना है तो ऐड होगा, सबट्रैक्ट करना है तो सबट्रैक्ट होगा. सो दीज थ्री आर द बेसिक रूल्स फॉर टू फाइंड द एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर. यू कैन नोट डाउन दिस और यू हैव टू कीप दीज रूल इन योर माइंड वेरी क्लियरली. अगर आप लोगों को ये तीन रूल पता हैं तो आपको फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो उनको ऐड करने में या सेपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 4C. एक्सरसाइज 4C. ओके I am explaining a question number 3. Okay, first and second are very simple. If you will understand question number 3, then you will be able to solve the question number 1st and 2nd. Right? So, question number 3. Question number 3, first of 3. Minus 3 upon 5 plus 7 upon 5 plus minus 1 upon 5. Okay? This is the question. As we all know, first there are three rational numbers which we have to add or subtract, whatever. बिल्कुल, because हम जब इनके questions, इनके signs को जब हम solve करेंगे with the help of the integers, then you will get कि हमें क्या करना है, ये add होगा या subtract होगा. Alright, वैसे तो यहाँ पर addition का sign दिख रहा है, but जब इनके signs को solve करेंगे according to integers, when we study the integers chapter. We learn some rules like plus 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 minus 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 plus plus minus plus minus and minus minus plus. So ये 4 rules हैं. अब सबसे पहले जब हमें add करना है तो मैंने आप लोगों को बताया था first we need to find the LCM of the denominators. Alright? So LCM निकालना है denominators का. As you can see 3 upon 5 denominator is 5. 7 upon 5 denominator is 5, minus 1 upon 5 denominator is 5. So when you will find the LCM of these denominators, LCM will be also 5. Okay? अब अगर यहाँ पर ये same denominators नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि आप इन तीनों का LCM एक साथ find करेंगे. No need to find the LCM of the all denominators. हम 2-2 करके भी कर सकते हैं. पहले मैं इन दोनों rational numbers को solve कर लूँ, then जो answer आएगा उसके साथ फिर मैं इसको करूँ. कंटिन्यू कर सकते हैं. क्वेश्चंस की सॉल्यूशन की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी बट स्टेप बाय स्टेप करेंगे और फिर आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको भी हैबिट हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाएंगे हम इनके साथ, तो फिर हम भी एक साथ कर पाएंगे. राइट बट यहाँ पर तो 5 5 5 है तो हम सबको पता है 5 का तीनों 5 है तो LCM 5 ही आना है. सो यहाँ पर मैं इन तीनों रेशनल नंबर्स का एक साथ LCM फाइंड कर रही हूँ. ओके सो फर्स्ट रूल इज फाइंड द LCM. हमने LCM फाइंड कर लिया, LCM इज 5. Right? Next rule is divide the LCM. Divide this LCM by the denominators respectively and bracket में 1 by 1. मतलब हम इस denominators के, ये first rational number है, इस denominator से इस LCM को divide करेंगे. फिर इस rational number के denominator से इसको divide करेंगे. फिर इस rational number के denominator से इसको divide करेंगे. Clear? So first we'll divide this denominator, this LCM by denominator, 5 divided by 5. Answer is 1, question is 1, right? So, 1. Rule number 3 is saying, multiply the quotient with the respective numerator. Multiply the quotient with the respective numerator. Numerator is minus 3. So 1 multiplied by minus 3. Alright. Next. Plus 5 and 5. 5 divided by 5. Again 1. Multiply the quotient with the respective numerator. So 1 multiplied by 7. Right. Now plus divide this 5 by this 5. Answer is 1. So 1 multiplied by minus 1. Clear? Now we have to solve step by step.
1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, माइनस 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आता है, माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आएगा, वेरी सिंपल. माइनस 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 1 अपॉन 5. ओके लेट्स कंटिन्यू. माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 7 एंड प्लस ब्रैकेट में माइनस 1, इन ब्रैकेट माइनस 1. सो फर्स्ट वी नीड टू ओपन दिस ब्रैकेट, और व्हेन वी विल ओपन दिस ब्रैकेट वी नीड टू फॉलो दैट रूल, इंटीजर्स रूल, प्लस माइनस माइनस एंड ऑल. सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 1, ऑलराइट, अपॉन एलसीएम इज 5. एनी प्रॉब्लम? अगेन नाउ दिस इज माइनस 3 एंड दिस इज प्लस 7 एंड दिस इज माइनस 1. सो वी विल राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग देयर साइन. ओके माइनस 3, माइनस 1, प्लस 7. वाई डू वी नीड टू डू दिस? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है. पहले सेम सेम साइन वाले नंबर्स को सॉल्व कर लो, लाइक माइनस है, ये भी माइनस है और भी माइनस होता है, तो हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, इन सबको प्लस कर लेते, और यहाँ पर प्लस प्लस होते तो उन सबको प्लस कर लेते. ओके जैसे माइनस 3 एंड माइनस 1, वी ऑल नो वेरी वेल माइनस माइनस प्लस. सो माइनस माइनस प्लस इट मीन्स माइनस 3, माइनस 1, माइनस 4, सो माइनस 4 प्लस 7 अपॉन 5. ओके नाउ माइनस 4 प्लस 7, दिस इज नेगेटिव 1 एंड दिस इज पॉजिटिव 1. सो प्लस माइनस माइनस इट मीन्स 4 एंड 7 दोनों आपस में माइनस होंगे. सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट द 4 फ्रॉम 7, आंसर विल बी 3. एंड वी नो जब भी हम किसी भी नंबर्स को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो जो आंसर आता है, जो उन्हें सॉल्व करने के बाद हमारा लास्ट नंबर आता है, उसका साइन, जो ग्रेटर वन डिजिट होता है, ग्रेटर वन नंबर होता है, उसके एज इट इज होता है. इफ सपोज वी आर सेपरेटिंग अ नंबर 12 फ्रॉम 14, ओके 12 from 14. It means you have to divide, subtract 12 from 14, 14 minus 12. So answer will be 2. But ye 2 positive hoga ya negative? Positive. Why? 14 is greater 1 and 14 is positive. So answer will be positive. Alright? So here also you can see 4 is smaller one, छोटा नंबर है, and that is negative, and 7 is more than greater, 7 is greater than 4, so this is positive, so answer will be also positive, so 3 will be also positive upon 5, 3 upon 5. Now can you solve these this rational number? 3 एंड 5 किसी से कट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं? नो, बिकॉज बोथ आर ओड नंबर्स एंड या प्राइम नंबर ऑल्सो. सो 3 विल बी डिवाइड बाय डिविजिबल बाय 3 एंड 5 विल बी डिविजिबल बाय ओनली 5. सो ये यहीं पर हम इसे आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो दिस इज द आर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस आंसर. ऑलराइट, सो लेट्स रिपीट फर्स्ट. Addition and subtraction of rational number. Okay, whenever you will add or subtract the rational number, you need to keep these three rules in your mind very clearly. First rule is we will find the LCM of the denominators. जो भी denominators आपको given होंगे rational number में, आपको उनका LCM find करना है. Second one, divide the LCM by the denominators respectively. जो भी आपका LCM आया है, जो भी आपका LCM आया है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? डिनोमिनेटर से.
कौन से डिनोमिनेटर से जितने भी आपको रैशनल नंबर्स गिवन है उन सब रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर से हम वन बाय वन उस एलसीएम को डिवाइड करेंगे. क्लियर. थर्ड रूल इज मल्टीप्लाई द क्वेश्चन. व्हेन यू विल डिवाइड द एलसीएम बाय द डिनोमिनेटर्स यू विल गेट अ क्वेश्चन, राइट. सो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दैट क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द रेस्पेक्टिव न्यूमरेटर. फर्स्ट वाले रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से आपने डिवाइड किया तो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन को हम उसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे. सो दिस इज द बेसिक रूल्स ऑफ द एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. लेट्स सॉल्व अ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन I'll take from the subtraction. Okay. Exercise 4D. Subtract 3 upon 4. Exercise 4D. Subtract 3 upon 4 from 1 upon 3. Okay, this is your question. Now, before solving this question, I want to tell you one thing, that when question is asking for the subtract a number or rational numbers and fractions, whatever, you will get a question like subtract 3 upon 4 minus 1 upon 3, 2 minus 5, 5 minus 6, 5 from 6. Okay. So, अब यहाँ पर कुछ students क्या करते हैं? They will write like 3 upon 4 from 1 upon 3. It means हमें इनको separate करना है. But students को ये बात नहीं समझ आती कि हमें किस number को और किस rational number को किस number और rational number से separate करना है. Question में लिखा हुआ है 3 upon 4. They will write 3 upon 4 minus 1 upon 3. Which is wrong. Why? When you are subtracting any number, first you need to look after one thing, that 3 upon 4 from 1 upon 3. Jis bhi number ke pehle from likha hua hai, like 1 upon 3 from 1 upon 3. To from kahan par hai? 1 upon 3 ke pehle. Like 4 from 7. ओके, सो 7 के पहले क्या है? फ्रॉम. सो 7 हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, देन माइनस 4. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? 3 अपॉन 4 फ्रॉम 1 अपॉन 3, फ्रॉम किसके पहले लिखा हुआ है? पहले, नॉट आफ्टर. आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द वर्ड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजिट और रैशनल नंबर, राइट. सो फ्रॉम कहां लिखा हुआ है? इस नंबर के पहले. ओके, so 1 upon 3 minus 3 upon 4, because from iske pehle hai, is number ke pehle from hai, so we'll write it first. 1 upon 3 minus 3 upon 4. Now, as I told you, first we need to find the LCM of the denominators. So we'll find the LCM. 3 and 4, 3 ones are 3, 4. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 6 2s are 12. So, LCM will be 12. Okay. Now, we have to divide this LCM by the denominator. So, you will divide this 12 by 3. When you will divide this 12 by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. So, 4 and 12. Question is? 4. Now, next rule is multiply this question by the respective numerator. So, multiply this question by the respective numerator. Okay. Then, minus. Again, you will divide this LCM by this denominator. When you will divide 12 by 4, 4 3s are 12, question is 3. It means you will multiply this question by the numerator. So, 3 multiplied by 3. Alright?
Now 4 ones are 4, 4 minus 3 threes are 9 upon 12. Next, now 4 is positive 1 and 9 is negative 1. So we'll divide this 9 minus 4, 5. But as you can see, 9 is greater 1 than 4. So the sign of answer will be also the same of greater 1 digit. So this is negative. So answer is also negative. Again, upon 12. Now, can you divide this 5 or 12 by a same number? 5 will be 5 is divisible by 5 and 12 is divisible by 2, 4, 3. This is even number and this is odd number and prime number also. So we cannot divide this 5 by any other number. So this is your answer in the standard form, minus 5 upon 12. Clear? So this is an example and question of subtraction of a rational number. And इससे पहले हमने जो question solve किया उसमें addition भी था and subtraction भी था. After this, I want to tell you a very simple topic, that is additive inverse. Suppose if question is asking for the additive inverse of any number, what does that mean? Additive means addition, okay, and inverse means opposite, okay. We can understand by these words. Additive, addition, inverse means opposite, ulta, okay. So when question is asking for the additive inverse, हमारे mind में ये बात click होनी चाहिए, हमें क्या find करना है? Addition करना होगा और उसके opposite से addition करना है, right? Suppose question is asking write the additive inverse of 5. For example, I'm taking 5. Write the additive inverse of 5. It means we need to add a number with this 5 और वो number इस number का opposite होना चाहिए, right? Additive inverse, addition भी करना है. किससे addition करना है? उसका opposite number जो भी आपको question में given है. Clear? Question is asking that you have to find the additive inverse of this 5. So when you will find the additive inverse of this 5, इसका inverse क्या होगा? Minus 5. और इन दोनों को आपको क्या करना है? Plus करना है. So answer क्या आएगा? 0. This is your calculation. And additive inverse of 5 is, you can write directly minus 5. And if you want to check your answer, you need to write like this, then answer should be 0. If the answer is coming 0, then the additive inverse is correct. Additive inverse means एक number जो given number का inverse है. If question में आपको minus 5 given है, okay, find the additive inverse of minus 5, तो it will be 5. और इसका rule क्या है additive inverse का? The basic rule of additive inverse is when you add that particular number with the inverse of that same number, answer should be 0. Answer should be 0. अगर answer 0 नहीं आ रहा है, आप उन numbers को add कर रहे हो जो एक particular number आपको given है question में और आपको बोला गया additive inverse find कीजिए, तो आप उसके inverse से multiply add करोगे. Like 3 given है तो minus 3 से हम उसे plus करेंगे, तो 3 minus 3 0 ही होगा ना. अगर आप 3 के साथ minus 4 ले लोगे तो 0 थोड़ी आएगा. तो minus 4 is not the additive inverse of 3. Okay, you are getting my point. So this is very simple topic, additive inverse. You need to keep these two words in your mind. Additive means addition and inverse means opposite. It means you need to add the number of number with that given number, and that number should be opposite of that given number. Clear? जो भी number आपको add करना है,
वो नंबर उस गिवन नंबर का इनवर्स होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सो थैंक यू.